वेलकम बैक। तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज उत्तर प्रदेश अलीगढ़ प्रवासे है, जहां राजा महेन्द्र प्रताप यूनिवर्सिटी शिलान्यास करते, परंतु दरमियान संबोधन कर रहा है। सांभिए शू कही रहा है। महाराजा सुहेलदेव जी हो, दिन बंधु चौधरी छोटूराम जी हो, या फिर अब राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी, राष्ट्र निर्माण में इनके योगदान से नई पीढ़ी को परिचित कराने का ईमानदार प्रयास आज देश में हो रहा है। आज जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो इन कोशिशों को और गति दी गई है। भारत की आजादी में राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने उनके योगदान को नमन करने का ये प्रयास ऐसा ही एक पावन अवसर है। साथियों, आज देश के हर उस युवा को जो बड़े सपने देख रहा है, जो बड़े लक्ष्य पाना चाहता है, उसे राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के बारे में अवश्य जानना चाहिए, अवश्य पढ़ना चाहिए। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के जीवन से हमें अदम्य इच्छा शक्ति, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर गुजरने वाली जीवटता आज भी हमें सीखने को मिलती है। वो भारत की आजादी चाहते थे और अपने जीवन का एक एक पल उन्होंने इसी के लिए समर्पित कर दिया था। उन्होंने सिर्फ भारत में ही रहकर और भारत में ही लोगों को प्रेरित नहीं किया, बल्कि वो भारत की आजादी के लिए दुनिया के कोने कोने में गए। अफगानिस्तान हो, पोलैंड हो, जापान हो, दक्षिण अफ्रीका हो, अपने जीवन पर हर खतरा उठाते हुए वो भारत माता को बेड़ियों से आजाद करने के लिए जुटे रहे, जी जान से जुटे रहे, जीवन भर काम करते रहे। मैं आज के युवाओं से कहूंगा कि जब भी मेरे देश के युवाएं, मेरी इस बात को गौर से सुनिए, मैं देश के युवाओं को कहूंगा कि जब भी उन्हें कोई लक्ष्य कठिन लगे, कुछ मुश्किलें नजर आए, तो मेरा आपसे अनुरोध है, वो आप राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी को जरूर याद करना, आपका हौसला बुलंद हो जाए। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी जिस तरह एक लक्ष्य, एक निष्ठ होकर भारत की आजादी के लिए जुटे रहे, वो आज भी हम सबको प्रेरणा देता है। और साथियों, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो मुझे देश के एक और महान स्वातंत्र सेनानी, गुजरात के सपूत श्री
श्याम जी कृष्ण वर्मा जी का भी स्मरण हो रहा है। प्रथम विश्व युद्ध के समय राजा महेंद्र प्रताप जी विशेष तौर पर श्याम जी कृष्ण वर्मा जी और लाला हरदयाल जी से मिलने के लिए यूरोप गए थे। उसी बैठक में जो दिशा तय हुई उसका परिणाम हमें अफगानिस्तान में भारत की पहली निर्वासित सरकार के तौर पर देखने को मिला। इस सरकार का नेतृत्व राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी ने ही किया था। ये मेरा सौभाग्य था कि जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो मुझे श्याम जी कृष्ण वर्मा जी की अस्थियों को 73 साल के बाद श्याम जी कृष्ण वर्मा जी की अस्थियों को भारत लाने में सफलता मिली थी। और अगर आप कभी कच्छ जाने का मौका मिले तो कच्छ के मांडवी में श्याम जी कृष्ण वर्मा जी का एक बहुत ही प्रेरक स्मारक है जहां उनके अस्थि कलश रखे गए हैं। वो हमें मां भारती के लिए जीने की प्रेरणा देते हैं। आज देश के प्रधानमंत्री के नाते मुझे फिर से एक बार ये सौभाग्य मिला है कि मैं राजा महेंद्र प्रताप जी जैसे विजनरी और महान स्वातंत्र सेनानी के नाम पर बन रही यूनिवर्सिटी का शिलान्यास कर रहा हूं। मेरे जीवन का एक बड़ा सौभाग्य। और ऐसे पवित्र अवसर पर आप इतनी बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने आए, जनता जनार्दन के दर्शन करना ये भी शक्तिदायक होता है। साथियों, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी सिर्फ भारत की आजादी के लिए ही नहीं लड़े, उन्होंने भारत के भविष्य के निर्माण की नींव में भी सक्रिय योगदान दिया था। उन्होंने अपनी देश विदेश की यात्राओं से मिले अनुभवों का उपयोग भारत की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए किया। वृंदावन में आधुनिक टेक्निकल कॉलेज उन्होंने अपने संसाधनों से अपनी पैतृक संपत्ति को दान करके बनवाया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए भी बड़ी जमीन राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी ने ही दी थी। आज आजादी के इस अमृत काल में जब 21वीं सदी का भारत शिक्षा और कौशल के नए दौर की तरफ बढ़ चला है, तब मां भारती के ऐसे अमर सपूत के नाम पर विश्वविद्यालय का निर्माण उन्हें सच्ची कार्यांजलि है। इस विचार को साकार करने के लिए योगी जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। साथियों, ये विश्वविद्यालय आधुनिक शिक्षा का एक बड़ा केंद्र तो बनेगा ही, साथ ही देश में डिफेंस से जुड़ी पढ़ाई
डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी टेक्नोलॉजी और मैन पावर बनाने वाला सेंटर भी बनेगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जिस तरह शिक्षा, कौशल और स्थानीय भाषा में पढ़ाई इस पर बल दिया गया है, उससे इस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को बहुत लाभ होगा। अपनी सैन्य ताकत को मजबूत करने के लिए आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ने भारत के प्रयासों को इस विश्वविद्यालय में होने वाली पढ़ाई नई गति देगी। आज देश ही नहीं, दुनिया भी देख रही है कि आधुनिक ग्रेनेड और राइफल से लेकर लड़ाकू विमान, आधुनिक ड्रोन, युद्धपोत ये सब भारत में ही निर्मित करने का अभियान चल रहा है। भारत दुनिया के एक बड़े डिफेंस इंपोर्टर की छवि से बाहर निकलकर, वरना हमारी छवि यही है, हम डिफेंस के लिए जो भी चाहिए इंपोर्ट करते हैं, बाहर से मंगवाते रहते हैं। आजादी के 75 साल हो गए, हम मंगवाते रहते हैं। इस छवि से बाहर निकलकर दुनिया के एक अहम डिफेंस एक्सपोर्टर की नई पहचान बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भारत की इस बदलती पहचान का एक बहुत बड़ा केंद्र ये हमारा उत्तर प्रदेश बनने वाला है और उत्तर प्रदेश के सांसद के नाते मुझे इस बात का विशेष गर्व है। साथियों, थोड़ी देर पहले डिफेंस कॉरिडोर के अलीगढ़ नॉर्थ की प्रगति का मैंने अवलोकन किया। अलीगढ़ में ही डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी 1.5 दर्जन से अधिक कंपनियां सैकड़ों करोड़ रुपए के निवेश से हजारों नए रोजगार यहां बनाने वाली है। अलीगढ़ नोड में छोटे हथियार, आयुध, ड्रोन, एरोस्पेस, मेटल कंपोनेंट्स, एंट्री ड्रोन सिस्टम, डिफेंस पैकेजिंग ऐसे उत्पाद बन सके, इसके लिए नए उद्योग लगाए जा रहे हैं। ये बदलाव अलीगढ़ और आसपास के क्षेत्र को एक नई पहचान देगा। साथियों, अभी तक लोग अपने घर की या अपने दुकान की सुरक्षा के लिए अलीगढ़ के भरोसे रहते थे। पता है ना, क्योंकि अलीगढ़ का ताला अगर लगा होता था तो लोग निश्चिंत हो जाते थे। और मुझे आज बचपन की एक बात करने का मन कर रहा है। करीब 55-60 साल पुरानी बात है, हम बच्चे थे तो अलीगढ़ से ये ताले के जो सेल्समैन होते थे, एक मुस्लिम मेहरबान थे, वो हर 3 महीने हमारे गांव आते थे। अभी भी मुझे याद है,
वो काली जैकेट पहनते थे और सेल्समैन के नाते दुकानों में अपना ताला रख के जाते थे और 3 महीने के बाद आकर के पैसे ले जाते थे। गांव के अगल बगल के गांवों में भी व्यापारियों के पास जाते थे, उनको भी ताले देते थे। और मेरे पिताजी से उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी और वो आते थे तो 4-6 दिन हमारे गांव में रुकते थे और दिन भर जो पैसे वो वसूल करके ले आते थे तो मेरे पिताजी के पास छोड़ देते थे और मेरे पिताजी उनके पैसों को संभालते थे। और 4-6 दिन के बाद जब वो मेरा गांव छोड़ करके जाते थे तो मेरे पिताजी से वो सारे पैसे लेकर के फिर वो अपना ट्रेन से निकल जाते थे। और हमने बचपन में 2 शहरों उत्तर प्रदेश के बड़े परिचित रहे, एक सीतापुर और दूसरा अलीगढ़। हमारे गांव में अगर किसी को आंख की बीमारी में ट्रीटमेंट करनी है तो हर कोई कहता था सीतापुर जाओ। हम ज्यादा समझते नहीं थे लेकिन सीतापुर शब्द सुनते थे। और दूसरा इस महाशय के कारण अलीगढ़ बार बार सुनते थे। लेकिन साथियों, अब अलीगढ़ के रक्षा उपकरण भी, कल तक जो अलीगढ़ ताले के जरिए घरों की दुकानों की रक्षा करता था, वो 21वीं सदी में ये मेरा अलीगढ़ हिंदुस्तान की सीमाओं की रक्षा करने का काम करेगा। यहां ऐसे आयुध बनेंगे, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत यूपी सरकार ने अलीगढ़ के तालों और हार्डवेयर को एक नई पहचान दिलाने का काम किया है। इससे युवाओं के लिए, एमएसएमईज के लिए नए अवसर तैयार हो रहे हैं। अब डिफेंस इंडस्ट्री के जरिए भी यहां के मौजूदा उद्यमियों को, एमएसएमईज को विशेष लाभ होगा और नए एमएसएमईज के लिए प्रोत्साहन भी प्राप्त होगा। जो छोटे उद्यमी हैं उनके लिए भी डिफेंस कॉरिडोर का अलीगढ़ नोड नए मौके बनाएगा। भाइयों और बहनों, डिफेंस कॉरिडोर के लखनऊ नोड में दुनिया की सबसे बेहतरीन मिसाइल में से एक ब्रह्मोस का निर्माण भी प्रस्तावित है। इसके लिए अगले कुछ सालों में 9,000 करोड़ रुपए निवेश किए जा रहे हैं। झांसी नोड में एक और मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण यूनिट लगने का प्रस्ताव है। यूपी डिफेंस कॉरिडोर ऐसे ही बड़े निवेश और रोजगार के बहुत बड़े अवसरों को लेकर के आ रहा है। साथियों, आज उत्तर प्रदेश देश और दुनिया के हर छोटे बड़े निवेशक के लिए बहुत आकर्षक स्थान बनता जा रहा है। ये तब होता है जब निवेश के लिए जरूरी माहौल बनता है, जरूरी सुविधाएं मिलती है। आज उत्तर प्रदेश डबल इंजन सरकार के डबल लाभ का बहुत बड़ा उदाहरण है। योगी जी और उनकी पूरी टीम ने सबका साथ
सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर चलते हुए उत्तर प्रदेश को नई भूमिका के लिए तैयार किया है। अब सबके प्रयास से इसे और आगे भी बढ़ाना है। समाज में विकास के अवसरों से जिनको दूर रखा गया, ऐसे हर समाज को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में अवसर दिए जा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश की चर्चा बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और बड़े फैसलों के लिए होती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो इसका एक बहुत बड़ा लाभार्थी है।